हेलो एवरीवन वेलकम टू पी मैथमेटिक्स इस वीडियो में हम दिसंबर 2011 से रियल एनालिसिस के पार्ट बी के जो क्वेश्चन आए हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन एफ सच दैट क्लोज इंटरवल जीरो वन टू क्लोज इंटरवल जीरो वन बाई एफ एक्स इक्वल टू टू रेज टू पावर के माइनस वन अपॉन टू रेज टू पावर के फॉर एक्स बिलोंग्स टू टू रेज टू पावर के माइनस वन माइनस वन अपॉन टू रेस टू पावर के माइनस वन एंड टू रेस टू पावर के माइनस वन अपॉन टू रेस टू पावर के विद के ग्रेटर देन इक्वल टू वन देन एफ इज अ रिमान इंटीगेबल फंक्शन सच देट इंटीग्रेशन जीरो टू वन एफ एक्स टी एक्स इक्वल टू टू बाई थ्री इंटीग्रेशन जीरो टू वन एफ एक्स टी एक्स लेस देन टू बाई थ्री एंड ग्रेटर देन वन बाई टू इंटीग्रेशन जीरो टू वन या फिर इंटीग्रेशन जीरो टू वन एफ एक्स टी एक्स लेस देन वन एंड ग्रेटर देन टू बाई थ्री तो बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देखिए सॉल्यूशन हमारे पास क्या डिफाइन है एफ एक्स डी आवर टू रेस टू पावर के माइनस वन अपॉन टू रेस टू पावर के और देखिए हमें पता है रिमान इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन जीरोक्न टू ये किसके इक्वल होता है लिमिट एन, तो सम के तू वन तू एन एफ एक्स डेल्टा एक्स जहां डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती है एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन ठीक है तो यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टू रेस्ट टू पावर के माइनस वन अपॉइंट टू रेज टू पावर के माइनस टू रेस टू पावर के माइनस वन माइनस वन अपॉइंट टू रेज टू पावर के माइनस वन और एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है टू रेस्ट टू पावर के माइनस वन अपॉइंट टू रेज टू पावर के तो ये वैल्यूज रख दी यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये टू रेज टू पावर के माइनस वन इसे क्या लिख सकते हैं टू रेज टू पावर के अपॉइंट टू ठीक है तो यहाँ पे लिख दे टू रेस टू पावर के अपॉइंट टू माइनस वन एंड डिवाइडेड बाई टू रेस्ट टू पावर के अपॉइंट टू तो अब क्या करते हैं यहाँ पे टू को एलसीम ले लेते हैं तो टू एंड टू रेस्ट टू पावर के माइनस टू और डिवाइड में क्या आ जाएगा टू रेस्ट टू पावर के अपॉन टू अब ये टू से ये टू तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो टू से टू तो कैंसिल तो हमारे पास वैल्यू बचेगी टू रेस्ट टू पावर के माइनस टू अपॉन टू रेस्ट टू पावर के अब क्या करेंगे टू रेस्ट टू पावर के एल ले लेंगे यहाँ पे भी ये टूरेस्ट टू पावर के है अब इसको करेक्ट कर लेना क्योंकि देखिए यहाँ पर टूरेस्ट टू पावर के है तो ये क्या है टूरेस्ट टू पावर के तो टू रेस्ट टू पावर के हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा टू रेस टू पावर के माइनस वन माइनस टू रेस टू पावर के प्लस टू इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू बचेगी ये प्लस माइनस कैंसिल टू में से वन गया वन तो वन अपॉन टू रेस टू पावर के ठीक है फिर इसको वापस सॉल्व करते हैं तो देखिए ये टू रेस टू पावर के ये टू रेस्ट टू पावर के ये आ जाएगा टू रेस टू पावर टू के अब इसको सॉल्व करते हैं देखिए हमारे पास आया टू रेस टू पावर के माइनस वन अपॉन टू रेस टू पावर टू के तो यहाँ पे इसे ऐसे लिख सकते हैं टू रेज टू पावर के अपॉन टू रेज टू पावर टू के माइनस वन अपॉन टू रेज टू पावर टू के तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा लिमिट एंड टू इन्फिनिटी सम ऑफ के इक्वल टू वन टू एन वन अपॉन टू रेज टू पावर के माइनस वन अपॉन टू रेज टू पावर टू के तो आ जाएगा हमारे पास लिमिट एंड टू इन्फिनिटी सम ऑफ के इक्वल टू वन टू एन वन अपॉन टू रेज टू पावर के माइनस लिमिट एंड टू इन्फिनिटी सम ऑफ के इक्वल टू वन टू एन वन अपॉन टू रेज टू पावर टू के या फिर क्या लिख सकते हैं क्योंकि लिमिट एन टर्स टू तो इन्फिनिटी है तो सम ऑफ के इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन टू रेस टू पावर के माइनस सम ऑफ के इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन फोर रेज टू पावर के क्योंकि ये क्या है टू रेस टू पावर टू के तो इसे लिख सकते हैं फोर रेस टू पावर के अब यहाँ पे के वैल्यू अप्लाई करेंगे तो वन अपॉइंट टू प्लस वन टू स्क्वायर एंड सोन माइनस वन अपॉइंट फोर प्लस वन फोर स्क्वायर एंड सो अब ये हमारे पास जी पी बन गई तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए अपॉइंट वन माइनस आर तो ए की वैल्यू वन अपॉइंट टू ए माइनस सॉरी ए अपॉन वन माइनस आर ए की वैल्यू वन अपॉन टू वन माइनस आर आर इनका डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा वन अपॉन टू तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा वन अपॉन टू एंड इसके डिवाइड में वन माइनस वन अपॉन टू एंड माइनस वन अपॉन फोर एंड डिवाइड में वन माइनस वन अपॉन फोर ठीक है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा वन माइनस वन फोर डिवाइडेड बाई थ्री अपॉइंट फोर इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टू बाई थ्री तो हमारे पास इंटीग्रेशन जीरो टू वन एफ एक्स डी एक्स इसकी वैल्यू आ गई टू बाई थ्री देखिए ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ इंटीग्रेशन जीरो टू वन एफ एक्स टी एक्स इक्वल टू टू बाई थ्री तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू यहाँ पे हमें लिमिट फाइन करनी है एक तो लिमिट ये और एक लिमिट ये लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लॉग एक्स अपोन एक्स की पावर वन बाई टू एंड लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लॉग एक्स अपोन एक्स तो इनमें से ये बताना है इनकी जो लिमिट होगी वो किसके इक्वल आएगी ये वाली लिमिट जीरो के इक्वल आएगी या फिर इन्फिनिटी के इक्वल आएगी और ये वाली जो लिमिट है ये जीरो के इक्वल आएगी या फिर इन्फिनिटी के इक्वल या फिर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो देखिए सॉल्यूशन पहले हम लिमिट फाइंड करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लॉग एक्स अपॉन एक्स की पावर वन अपॉन टू तो यहाँ पे जब एक्स की जगह इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे लिमिट तो क्या आएगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी केस बनेगा जब यहाँ पे एक्स टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी केस बनेगा देन बाई एलोपिटल रूल लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन एक्स और रूट एक्स का ये एक्स की पावर वन अपॉइंट टू मतलब रूट एक्स ही तो है ये तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ से वन अपॉन टू रूट एक्स इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टू अपॉन एक्स की पावर वन अपॉइंट टू यहाँ पर जब एक्सटेंस टू तो इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जीरो अब देखिए पहले हम ये देख लेते हैं किस ऑप्शन में इसकी वैल्यू जीरो दी हुई है जिसमें जीरो नहीं होगी वो ऑप्शन तो वैसे ही डिस्कार्ड हो जाएगा देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन में इसकी वैल्यू इन्फिनिटी दी हुई है हमने ये लिमिट फाइंड की लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लॉग एक्स अपॉन एक्स की पावर वन अपॉन टू इसकी वैल्यू हमारे पास जीरो के इक्वल आई और इसमें दिया हुआ है इन्फिनिटी तो ऑप्शन बी तो डिस्कार्ड हो गया अब हमें ये वाली लिमिट फाइंड करनी है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लॉग एक्स अपन एक्स देखिए यहाँ पर जब एक्सटेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये भी इंफिनिटी अपॉन इन्फिनिटी केस बनेगा देन बाई येलो पिटल रूल लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपोन एक्स और एक्स का वन अब यहाँ पर ये वन अपोन एक्स बचा तो यहाँ पर जब एक्सटेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये भी जीरो के इक्वल आएगा अब देखते हैं ऑप्शन को देखिए ऑप्शन बी तो पहले इनकरेक्ट हो गया फर्स्ट में ये लिमिट दी हुई है इन्फिनी के इक्वल बट हमारे पास तो जीरो के इक्वल आई देन फर्स्ट ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया फिर थर्ड में दिया हुआ है ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू जीरो और यहाँ पे ये वाली लिमिट की वैल्यू भी जीरो देन ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा क्योंकि फोर्थ में दिया हुआ है ये वाली लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही बट ये तो हमारे पास जीरो के इक्वल आई है एग्जिस्ट कर रही है देन फोर्थ भी इनकरेक्ट हो गया तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो गया एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लेट एक्स बी कनेक्टेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज इ रेशन देन द कार्डिलिटी ऑफ एक्स इज इनफाइनाइट काउंटेबली इनफाइनाइट टू या फिर वन देखिए सोल्यूशन देखिए हमें एक्स क्या हुआ है कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर तो अगर एक्स कनेक्टेड सबसेट है आर का देन एक्स क्या हो सकता है या तो सिंगल टन या फिर इंटरवल लेकिन अगर एक्स इंटरवल हुआ तो ये तो रेशन को भी कंटेन करेगा बट हमारे पास क्या अधिया हुआ है एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज इरेशनल हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया हुआ है एक्स में कैसे एलिमेंट है एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज इरेशनल बट अगर एक्स एक इंटरवल हुआ है तो ये तो रेशन को भी कंटेन करेगा देन एक्स इंटरवल तो नहीं हो सकता अगर इंटरवल नहीं है तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है या तो ये सिंगलटन है या इंटरवल है अगर इंटरवल नहीं है तो फिर ये सिंगलटन होगा और अगर एक्स सिंगलटन है देन कार्डिनलिटी ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगी वन देन ऑप्शन देखिए फर्स्ट में दिया हो इन्फाइनिट सेकेंड में दिया हुआ काउंटेबल इनफाइनेट थर्ड में दिया हुआ टू तो ये तीनों ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गए, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो गया